you should ask your school authority. 1928 अमेरिका, अटलांटिक पर टेलीग्राफ सेवा में बाधा आ रही थी। रेडियो सिग्नलों का इस्तेमाल करके भेजे जाने वाले संदेश एक अजीब से शोर के कारण ठीक से नहीं पहुंच रहे थे। ये किसी ट्रांजिस्टर सेट जैसी हिसिंग की आवाज थी। स्टाफ के एक युवा सदस्य कार्ल जैंस्की को इस समस्या की खोजबीन करने का काम सौंपा गया और इसके लिए उन्होंने एक विशेष उपकरण बनाया। उन्होंने जो खोजा था उससे ब्रह्मांड का हमारा अध्ययन करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। तो भला एक मामूली से रेडियो रिसीवर ने एस्ट्रोनॉमी के रास्ते को किस तरह बदला, यही है विज्ञान का सवाल। जब आप रेडियो शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हम में से ज्यादातर के लिए रेडियो का मतलब है ट्रांजिस्टर सेट, जिसका कोई बटन दबाइए और उसकी कोई नॉब घुमाइए और वो हमारे कानों तक सूचना और मनोरंजन को पहुंचा देता है। लेकिन रेडियो से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से है जिन्हें ट्रांजिस्टर पकड़ता है। ये रेडियो तरंगे बेहद जाने पहचाने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी दिखने वाली रोशनी जैसी ही होती हैं। दिखने वाली रोशनी के विपरीत रेडियो तरंगे इंसानी आंख से नजर नहीं आती, लेकिन और कई तरीकों से ये उपयोगी हो सकती हैं। जैसे कि इसके जरिए ट्रांजिस्टर सेट पर आप अपना पसंदीदा रेडियो चैनल सुन सकते हैं। लेकिन 1940 के दशक में एक वैज्ञानिक ने ये खोजा कि रेडियो रिसीवरों से एक और असाधारण काम भी लिया जा सकता है। 1933 में कार्ल जैंस्की नामक एक इंजीनियर को रेडियो इंटरफेरेंस का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने एक नए किस्म के रेडियो सिग्नल की खोज की घोषणा की। इसे उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए एक ऐसे उपकरण के जरिए खोजा जिसका नाम था मेरी गो राउंड। ये एक ऐसा रेडियो रिसीवर था जो एक टर्न टेबल पर घूमता था और 20.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सिग्नल रिकॉर्ड करता था। जैंस्की ने घोषणा की कि इसे जो सिग्नल मिल रहे थे वो पृथ्वी की अपनी आकाश गंगा मिल्की वे से आ रहे थे और ये एक हैरतअंगेज खोज थी। इससे पता चला कि ये खगोलीय चीजें दरअसल रेडियो स्रोत थी और ये ऐसे रेडियो सिग्नल छोड़ रही थी जिन्हें पृथ्वी पर रिसीवरों के जरिए पकड़ा जा सकता था। अभी तक अंतरिक्ष में मौजूद चीजों का अध्ययन ऑप्टिकल टेलीस्कोपों और दिखने वाली रोशनी का इस्तेमाल करके किया जाता रहा है, लेकिन जैंस्की की खोज का मतलब था कि हम किसी और चीज का इस्तेमाल करके भी ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते थे। ऐसे रेडियो रिसीवर जिन्हें एस्ट्रोनॉमी के लिए ही बनाया गया था, इसका नाम था रेडियो टेलीस्कोप। बदकिस्मती से दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण जैंस्की खुद उस काम को आगे जारी नहीं रख पाए जो उन्होंने शुरू किया था। तो अब इस काम का बीड़ा उठाया एक हैम रेडियो ऑपरेटर और इंजीनियर ग्रोटे रीबर ने। रीबर ने अपने अहाते में तब तक का पहला रेडियो टेलीस्कोप बनाने के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू किया। उन्होंने मिल्की वे और आसपास की आकाश गंगाओं से रेडियो तरंगों की मैपिंग शुरू की। 1950 के दशक तक उनके पब्लिकेशंस और अध्ययनों ने उन जैसे अनेक लोगों को प्रेरित किया और बस तभी से रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काम होता रहा है। लेकिन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी से किस तरह अलग है? ये तस्वीरें ऑप्टिकल टेलीस्कोप द्वारा ली गई हैं जिनसे हम में से ज्यादातर लोग परिचित हैं, यहाँ तक कि एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स भी। इन्हें सूरज, बृहस्पति, शनि और मिल्की वे के तौर पर पहचान लेंगे। लेकिन जब हम किसी रेडियो टेलीस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है? तब वही चीजें अपना बिल्कुल नया रूप दिखाती हैं। इस रेडियो ब्रह्मांड में वही चीजें अपने ऑप्टिकल रूपों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय, परिवर्तनशील और उग्र नजर आती हैं। कभी कभी ये रेडियो ब्रह्मांड एकदम पहली बार कुछ घटनाओं का खुलासा भी करता है। 1950, 60 और 70 के दशक में रेडियो टेलीस्कोप्स ने कई नई चीजों को खोजा था।
जैसे कि पल्सर, क्वेजार और शानदार रेडियो आकाश गंगाएं। ऐसी शुरुआती खोजें ज्यादातर पश्चिम में ही हुई और आजाद भारत में एक युवा विद्यार्थी इन पर बड़े निकट से नजर रखे हुए था। मुझे के एस कृष्णन ने पढ़ाया था, जो उस पेपर के सह लेखकों में से एक थे जिन्हें सर सीवी रमन नोबल पुरस्कार मिला था। वे एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां उन्होंने काफी साधारण उपकरणों के जरिए कुछ कमाल की खोजें होती देखी। उन्होंने भारतीय भौतिकी प्रयोगशालाओं में एक वार्ता की और मेरी दिलचस्पी जाग उठी। 1963 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भारत के पहले रेडियो एस्ट्रोनॉमी ग्रुप को बनाने के लिए होमी भाभा ने गोविंद स्वरूप को चुना था। गोविंद स्वरूप फौरन एक अनोखे आइडिया के साथ उनके पास पहुंचे। मैं सोच रहा था कि हम एक पहाड़ी ढलान पर एक बड़ा सा पैराबोलिक सिलेंडर बना सकते हैं जो पृथ्वी की धुरी के समानांतर हो। भाभा उनसे मिले, वो उनसे आधा या एक घंटे तक सवाल करते रहे। खुशकिस्मती से मेरे पास जवाब थे। मैंने कहा कि क्या मैं प्रस्ताव रखूं? उन्होंने कहा कि तुम पहले एक टीम बना लो, उसके बाद हम तुम्हारा प्रोजेक्ट पास करा देंगे। तो इसलिए बिना वक्त गवाए हमने कल्याण रेडियो टेलीस्कोप बना डाला। कल्याण टेलीस्कोप भारत का पहला रेडियो टेलीस्कोप था। इसे ऑस्ट्रेलिया द्वारा दान की गई रिसीवर डिशेस का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसका लक्ष्य था एक रेडियो स्रोत के तौर पर सूरज का अध्ययन करना। कल्याण टेलीस्कोप के निर्माण और परफॉर्मेंस ने भारतीय एस्ट्रोनॉमी ग्रुप को और मजबूती दी और होमी भाभा को प्रभावित किया। तो 1969 में भाभा ने एक और भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। ये तमिलनाडु की ऊटी की ढलानों पर लगाया गया एक सिलिंड्रिकल रेडियो टेलीस्कोप था। स्वरूप के अनोखे डिजाइन की वजह से बहुत ही कम लागत पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना पाना संभव हो पाया। इसकी लोकेशन ने इसे ढांचागत रूप से बहुत स्थिरता दी और ये एक बार में 10 घंटे तक खगोलीय चीजों का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता रहता था। ऊटी रेडियो टेलीस्कोप को पूरी तरह भारत में बनाया गया था और इसका डिजाइन, हिस्से, पुर्जे और टेक्नोलॉजी भी भारत की ही थी। आज भी ये दुनिया के सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोपों में से एक बना हुआ है, जिसका श्रेय जाता है इसकी अनूठी लोकेशन और बड़े आकार को। ऊटी टेलीस्कोप ने भारतीयों को एक बहुत उन्नत और विश्व स्तरीय उपकरण उनके देश में ही दे दिया। इसके जरिए भारतीय विज्ञान की कुछ सबसे बड़ी खोजों में हिस्सेदारी कर सकते थे, जैसे कि बिग बैंग और स्टेडी स्टेट थ्योरीज के बीच की बहस। 1990 के दशक में जब ये दुविधा दूर हो गई, तो गोविंद स्वरूप की नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर गईं। अब लक्ष्य था रेडियो आकाश में इतनी गहराई तक जाने का कि हमारे ब्रह्मांड की नींवों का भी अध्ययन किया जा सके। बिग बैंग के मुताबिक सितारों और आकाश गंगाओं से पहले सिर्फ विशालकाय न्यूट्रल हाइड्रोजन बादल ही थे। ब्रह्मांड कुछ सेकंडों या मिनटों की दूरी में था और इसमें 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम ही थी। तो ये चर्चा शुरू हुई कि क्या हम सितारों और आकाश गंगाओं से पहले से मौजूद हाइड्रोजन के विशालकाय बादलों को ढूंढने के लिए एक रेडियो टेलीस्कोप बना सकते हैं। हमारे पास एक ग्रुप था, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, तो क्या हम इससे भी कुछ बड़ा बना सकते थे? भीड़ भाड़ वाले पुणे शहर से 80 किलोमीटर दूर खोदर जिले के खुले मैदानों में और 25 किलोमीटर इलाके में मौजूद है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप या GMRT। इसके जरिए भारत की रेडियो एस्ट्रोनॉमी के सबसे महत्वाकांक्षी सपने को सच किया जा सका है। GMRT में 30 विशालकाय डिश एंटेना लगे हुए हैं, जो आकाश में बहुत दूर मौजूद वस्तुओं और घटनाओं से मिलने वाले रेडियो संकेतों को इकट्ठा करते हैं। ये दुनिया के ऐसे सबसे संवेदनशील टेलीस्कोपों में से एक है, जो ऐसे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं जिन्हें मीटर लॉन्ग वेवलेंथ में नापा जाता है। क्योंकि GMRT दुनिया के इस हिस्से में अपनी तरह का अकेला टेलीस्कोप है, इसीलिए ये आसमान का एक ऐसा नजारा उपलब्ध कराता है जो पूरी तरह अनूठा है। पूरी दुनिया में इस बात की मांग लगातार बढ़ती जा रही है कि कम फ्रीक्वेंसी वाले एक ऐसे विशाल उपकरण को बनाया जाए जो इन वेवलेंथ्स पर ब्रह्मांड की जांच पड़ताल करके नई चीजों का पता लगा सके, और इसी तरह GMRT की अवधारणा बनी। जब आप किसी टेलीस्कोप की कल्पना करते हैं तो आपके जहन में GMRT की तस्वीर नहीं आती। इसमें न तो देखने के लिए कोई व्यू फाइंडर है
और न ही कोई ऑप्टिकल लेंस जिसके जरिए आसमान पर नजर दौड़ाई जा सके। इसके बजाय इसमें तारों की जाली से बनी विशाल पैराबोलिक डिशेस हैं, जो किसी रेडियो रिसीवर को उसके फोकस में बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन ये काम कैसे करता है? हर डिश को आकाश में मौजूद एक रेडियो स्रोत की तरफ मोड़ा जाता है। इस स्रोत से मिलने वाले सिग्नल्स को कटोरे जैसी इसकी संरचना में इकट्ठा करके रेडियो रिसीवर की तरफ भेजा जाता है, जहां से कमजोर सिग्नल्स को एम्पलीफायर्स के जरिए और ताकत दी जाती है और फिर ऑप्टिकल केबल्स की मदद से इसे GMRT के सुपर कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम्स तक भेज दिया जाता है। डिजिटल सिस्टम रेडियो सिस्टम्स को प्रोसेस करते हैं, लेकिन इनसे खगोलविदों को फौरन ही कोई तस्वीर नहीं मिल जाती है। किसी खगोलीय चीज की तस्वीर के बजाय उन्हें मिलते हैं ढेर सारे आंकड़े। अब इन आंकड़ों से स्रोत से मिलने वाले रेडियो इमिशन की कई तस्वीरें बनाने के लिए खगोलविद विशेष सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए 30 अलग अलग डिश क्यों चाहिए? GMRT दरअसल एक इंटरफेरोमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये कई डिशेस से रेडियो तरंगों को इकट्ठा करके उनसे आंकड़े एक जगह इकट्ठा करता है। इसके लिए GMRT एक विशेष इंटरफेरोमीट्री टेक्निक अपर्चर सिंथेसिस का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक के जरिए ही इसे विकसित करने वाले मार्टिन रॉयल को 1974 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। अपर्चर सिंथेसिस एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन पर निर्भर करता है और इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि हर डिश के बीच की दूरी, कोण संबंधी अंतर और पृथ्वी की परिक्रमा आदि, जिससे रेडियो स्रोत के बारे में एक मुकम्मल आइडिया मिल जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर और आंकड़ों को आसपास में मिलाकर 25 किलोमीटर इलाके में फैले 30 अलग अलग डिशेस के जरिए हम और ज्यादा रेडियो तरंगे भी इकट्ठी कर सकते हैं और इस तरह हम बेहद धुंधली चीजों को भी देख सकते हैं। इस कारण से GMRT मीटर वेवलेंथ श्रेणी में दुनिया के सबसे विशाल टेलीस्कोप्स में से एक बन गया है और इसी कारण GMRT को इसका जायंट यानी विशाल रेडियो टेलीस्कोप वाला रुतबा मिला है। GMRT की डिश वाय आकार में लगी है। इसमें 12 डिश बीच में है और बाकी 18 तीन अलग अलग कतारों में लगी है। इसमें एंटीना से आने वाले सिग्नल्स को एक जोड़े में आपस में मिलाया जाता है, जिसे कहते हैं कोरिलेटर। और उपलब्ध एंटीना से आप जो भी जोड़ा बनाते हैं उससे आपको आकाश में मौजूद छवि के बारे में एक सूचना मिलती है। अगर इन सभी एंटीना को रियल टाइम में मिलने वाले सिग्नल्स को मिला दिया जाए और इन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी में मिलाकर कोरिलेशंस किए जाएं, तो आप आकाश में मौजूद किसी चीज की छवि बना सकते हैं और इसका रेजोल्यूशन इतना होगा जितना 30 किलोमीटर आकार वाले एंटीना से मिल पाएगा। इस तरह का उपकरण बनाने के लिए आखिर क्या कुछ चाहिए होता है? सबसे पहले तो एक काफी बड़े इलाके की जरूरत पड़ती है ताकि वहाँ इन्हें लगाया जा सके। ऐसे इलाके में रेडियो इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे इलाके में शोर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ मोबाइल फोन के सिग्नल ना हो, टेलीविजन सिग्नल ना हो और ना ही हाई वोल्टेज वाली बिजली की इंटरफेरेंस हो। सबसे अहम बात ये है कि GMRT को ऐसे जोशीले एस्ट्रोनॉमर्स और इंजीनियर्स की जरूरत थी जो इस उपकरण को एकदम शुरू से डिजाइन कर सकें और बना सकें। 1990 और 2000 के दशक में भारत इस सब के लिए एकदम तैयार था। जरा ऐसे देशों की तकनीकी मदद के बिना एक रेडियो टेलीस्कोप बनाने की कल्पना कीजिए, जो इंटरनेट के युग से पहले ही ऐसे उपकरण बना चुके थे। हमने ऊटी में से नहीं बनाया है। ऊटी वाला तो एक सरल और अकेला एंटेना था, लेकिन इसमें बुनियादी तकनीक मौजूद थी। लेकिन अगर आपके पास बुनियादी तकनीक हो तो आप एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं। हाँ, आज ये काम ज्यादा आसान है क्योंकि गूगल के जरिए काफी जानकारियाँ मिल जाएंगी, मगर उन बरसों में बहुत से मेघावी लोगों ने हमें ज्वाइन किया था। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा ज्यादातर काम 22, 25 या 27 साल की उम्र में लोगों ने किया। प्रोफेसर स्वरूप और उनकी टीम को एक बिल्कुल ही मूल और देशी डिजाइन विकसित करना पड़ा था। उन्होंने खुद को नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के तौर पर स्थापित किया और टाटा कंसल्टिंग के इंजीनियरों और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की मदद ली।
बेशक टीम को अनुभव तो बहुत था, लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। काम शुरू करते ही उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। चुनौती ये थी कि ऐसे हल्के वजन वाली डिश कैसे बनाई जाएं, जो तेज हवाओं को झेलने लायक मजबूत भी हों, लेकिन फिर भी इन्हें बनाने पर कम खर्च आए। डिजाइन ग्रुप ने ये काम अंजाम दिया स्मार्ट या स्ट्रेच्ड मेश अटैच टू रोप ट्रसेस का आविष्कार करके। इस डिजाइन को अपनाकर जीएमआरटी ने 45 मीटर वाली ऐसी विशाल डिश बनाई जिनका वजन सिर्फ 100 टन था। लेकिन प्रोफेसर स्वरूप और उनकी टीम ने सिर्फ यही अनोखा फैसला नहीं लिया। डिशेस को डिजाइन करने के बाद उनकी अगली चुनौती थी कि वो 25 किलोमीटर में फैले इस नेटवर्क को मुख्य इमारत के साथ कैसे जोड़ेंगे। मुझे इसी दौरान ऑप्टिकल फाइबर्स के विकास के बारे में जानकारी मिली। अब हम दूर दराज मौजूद एंटेना को ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए आपस में जोड़ सकते थे। उस समय तक किसी भी अन्य इंटरफेरोमीटर उपकरण में ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन ये दाव इतना सही बैठा कि पूरी दुनिया में ही इसे अपनाया जाने लगा। आज सभी रेडियो टेलीस्कोप्स के मामले में इस नियम को अपनाया जाता है। आज तो कोई भी सोच नहीं सकता कि अलग अलग एंटीनास को ऑप्टिकल फाइबर के अलावा भी किसी चीज से जोड़ा जा सकता है। 2000 के दशक में जीएमआरटी के अलग अलग घटक आपस में जुड़ने लगे। पूरे खोदर जिले में 30 डिश लगा दी गईं और इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और मजदूरों ने बड़ी मेहनत से इन्हें आपस में जोड़ दिया। जहां जीएमआरटी मैदानों में आकार लेने लगा था, वहीं अन्य टीमें इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजाइन करने में व्यस्त हो गईं। जीएमआरटी जैसे किसी विशाल विज्ञान उपकरण की इलेक्ट्रॉनिक्स काफी पेचीदा हो सकती है। इन्हें हर डिश से आने वाले ढेर सारे आंकड़ों को संभालना होता है। ये तमाम कंप्यूटिंग बहुत ही तेज रफ्तार पर होनी होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को एकदम उन्नत स्तर का होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स काफी परिष्कृत होती है, और हालांकि ऊटी जैसे पहले वाले टेलीस्कोप बनाने के कारण ग्रुप को कुछ अनुभव है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बाधाएं और नई चुनौतियां थीं जिन पर जीत हासिल की जानी थी। उदाहरण के लिए बड़ा सा डिजिटल बैकएंड जिसे कोरिलेटर कहा जाता है, और इसे बनाना एक बड़ी चुनौती थी। कई साल तक चले सोच विचार, खोजों और कड़ी मेहनत के बाद 1998 में जीएमआरटी को चालू कर दिया गया। शुरू में इसे सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिर सन 2000 आते आते इसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए खोल दिया गया, जिससे दुनिया के हर देश से यहाँ एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट आने लगे। अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब टेलीस्कोप को इस्तेमाल करने से जुड़ा आधा समय देश से बाहर के एस्ट्रोनॉमर्स इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि फिलहाल 30 देश इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसके इस्तेमाल को लेकर काफी प्रतिस्पर्धा रहती है। आखिर जीएमआरटी की इतनी मांग क्यों है? ये ऐसे सबसे संवेदनशील टेलीस्कोप्स में से एक है जो 150 मेगाहर्ट्ज़ से 1450 मेगाहर्ट्ज़ की लो फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, और इसकी 2 फीट 1665 मेगाहर्ट्ज़ रेंज में भी है। इस रेंज में एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड की एक बहुत ही खास झलक मिलती है। शोधकर्ता कई विषयों को कवर करते हैं, जिनमें पल्सार्स, क्वेजार्स और रेडियो गैलेक्सीज जैसी अनोखी चीजें भी शामिल हैं। इन चीजों को सिर्फ रेडियो के जरिए ही देखा जा सकता है। कुछ अन्य वैज्ञानिक सूर्य, सौर हवाओं और ग्रहों का अध्ययन करते हैं, जो हमारी सौर प्रणाली में भी हैं और उससे आगे भी। बहुत से शोधकर्ता अपने शहरों में बैठकर ही 150 मेगाहर्ट्ज़ पर TIFR-GMRT स्काई सर्वे के जरिए नेट की मदद से पूरे आकाश का अध्ययन करते हैं, और इनमें से कुछ तो बेहद असाधारण खोजें भी कर लेते हैं। जब एक स्रोत की खोजबीन की गई तो पता चला कि वो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विशाल रेडियो गैलेक्सी है, यानी ये ना सिर्फ ब्रह्मांड की एकमात्र रेडियो गैलेक्सी थी, बल्कि उसमें मौजूद सबसे विशाल एक चीज भी थी। इसका आकार 5 मेगापार्सेक है, यानी ये वाकई बहुत बड़ी है। जीएमआरटी क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स को एक अनूठी सेवा मुहैया कराता है, इसीलिए इसमें पूरे साल भीड़ भाड़ बनी रहती है।
लेकिन हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। एस्ट्रोनॉमर्स को अपने अध्ययन से जुड़ा एक विस्तृत प्रपोजल जमा करना होता है। चुने जाने पर उन्हें GMRT आने का न्योता मिलता है और फिर नियंत्रण थमा दिया जाता है सेंट्रल कंट्रोल रूम को। तो इस कंट्रोल रूम को साल के 365 दिन और 2400 घंटों चलाया जाता है और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसा ही है। इसके अलावा पूरे साल 2400 घंटों निगरानी भी चलती रहती है। सेंट्रल कंट्रोल रूम यहाँ मौजूद अलग अलग एंटेना को आकाश की एक खास जगह बने रहने का निर्देश देते हैं, जहाँ निगरानी करने की जरूरत होती है। खुले मैदानों में डिश अपनी दिशा बदलने लगती हैं। डिस्क का मुख्य काम होता है आकाश में किसी एक जगह केंद्रित हो जाना। ऐसे करने के लिए स्टेशन से जुड़े दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एजिमथ एक्सिस, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पृथ्वी के परपेंडिकुलर होता है, जबकि एलिवेशन एक्सिस में एंटीना इस तरह घूमता है जिसमें एक्सिस पृथ्वी के समानांतर होता है। ऐसे में आपके लिए आकाश को हॉरिजॉन्टल से जेनिथ तक कवर करना संभव हो जाता है। फिक्स हो जाने पर डिश रेडियो सिग्नल्स को इकट्ठा करके उन्हें इसके फोकस वाली जगह केंद्रित कर देती हैं। यहाँ अलग अलग तरह के रेडियो वेव रिसीवर या फीड्स सेंट्रल कंट्रोल रूम के निर्देश पर घूमते हैं। ब्रह्मांड से आने वाले सिग्नल इतनी दूरी से आते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान वो काफी कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए मुख्य कंप्यूटिंग सिस्टम तक पहुंचने से पहले उन्हें एम्पलीफाई करने की जरूरत होती है। इस पूरे सफर के दौरान सिग्नल्स के सामने रेडियो इंटरफेरेंस का खतरा लगातार बना रहता है। हमने इस इलाके को चुनने के दौरान ये ध्यान रखा कि हम उद्योग धंधों से दूर रहें। हम मुंबई और पुणे के ट्रैफिक या उद्योग धंधों से और आसपास के मोबाइल टावरों से काफी दूर हैं और ये हमारे GMRT बैंड में ऑपरेट नहीं करते। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर लाइन जैसी चीजें भी हैं, इनसे भी GMRT के लिए शोर पैदा होता है, तो इन्हें भी नियमित रूप से साफ किया जाता है जिससे ये GMRT सिग्नल के लिए कोई इंटरफेरेंस पैदा नहीं करती। शोर को हटा देने के बावजूद हर डिश से बहुत सारे आंकड़े मिल रहे होते हैं। इन आंकड़ों को कोरिलेटर कहलाने वाले एक डिजिटल सिस्टम से गुजारा जाता है। यहीं पर अपर्चर सिंथेसिस नामक इंटरफेरोमेट्री तकनीक को अमल में लाया जाता है ताकि एस्ट्रोनॉमर्स को अपनी जरूरत की सूचनाएं मिल सकें। तो ये टेक्नोलॉजी की एक नई पीढ़ी है जिसके जरिए आप आम कंप्यूटर्स पर पेचीदा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो बहुत अकलमंदी से बनाए गए सॉफ्टवेयर के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं, जो इन मशीनों के जरिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है ताकि आपके सिग्नल प्रोसेसिंग की तमाम जरूरतें पूरी हो सके। तो ये काफी उन्नत मशीन है। ये शायद ऐसी गिनी चुनी और पहली ऑब्जर्वेशंस में से एक है जिसमें एक पूरा रियल टाइम सॉफ्टवेयर बैकएंड है और वो 24 घंटे सातों दिन चलता रहता है। GMRT की शुरुआत के बाद 10 साल से भी अधिक के पश्चात सैकड़ों एस्ट्रोनॉमर्स कुछ कमाल की ऑब्जर्वेशंस यहाँ कर चुके हैं और इनमें से हर एक हमें उस ब्रह्मांड को और बेहतर ढंग से समझने के करीब ला रही है जिसमें हम रहते हैं। तो ज्ञान के लिए लगातार बढ़ती हमारी भूख को शांत करने के लिए GMRT अब तकनीकी क्षमताओं के एक नए स्तर को हासिल कर रही है। आज GMRT को एक ऐसे तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है जो इसके परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं और वो ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कवरेज को बढ़ाना। इसके दौरान GMRT की पूरी रिसीवर चेन में ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। जिस जोश के तहत GMRT का निर्माण किया गया था वही अब इसके अपग्रेड से जुड़े काम को भी आगे बढ़ा रहा है। देशी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग समाधानों के जरिए हर पहलू को नया रूप दिया जा रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। डिशेस को हवा और जंग जैसे कुदरती दुश्मनों के खिलाफ मजबूती दी जा रही है। मोटर्स जैसी मशीनी प्रणालियों को ज्यादा छोटा, ज्यादा हल्का और ज्यादा कार्यकुशल बनाया जा रहा है। सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए रेडियो रिसीवर को भी दुरुस्त किया जा रहा है। रेडियो इंटरफेरेंस को पहले के मुकाबले और ज्यादा घटाने के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को दोबारा डिजाइन किया जा रहा है और डिजिटल बैकएंड भी इंटेलिजेंस के एक नए स्तर तक पहुंच रहा है।
पूरा होने पर नया और सुधरा हुआ GMRT एस्ट्रोनॉमर्स को रेडियो यूनिवर्स में एक और भी दमदार खिड़की मुहैया कराएगा। लेकिन एक बड़े सपने के तौर पर जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी वो यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। फिजिक्स से जुड़ी बहुत सी बुनियादी बातें हैं जिनके जवाब मुहैया कराने की GMRT को उम्मीद है, तो इसके लिए नए किस्म का विज्ञान इस्तेमाल में आएगा जो पहले मुमकिन नहीं था। अगर आप में उड़कर चांद तक जाने की इच्छा जाग जाए तो आप उसका तरीका भी ढूंढ लेंगे, यानी आपके सामने कोई बड़ी चुनौती होनी चाहिए। जब चुनौती मौजूद होगी तो आप समाधान भी ढूंढना शुरू करेंगे।